हेलो गाइस, वेलकम टू द कार शो। आज आपके सामने है ऑल न्यू 2022 महिंद्रा XUV 700। महिंद्रा XUV 700 का प्राइस 13.45 लाख रुपीस से स्टार्ट होता है और जा रहा है 24.95 लाख रुपीस तक। इस कार के अंदर आपके यहाँ पे काफी सारे वेरिएंट्स ऑफर किए जाते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर मेनली बात करने वाले इसके बेस वेरियंट MX के बारे में, जिसका की एक शोरूम प्राइस है डीजल के अंदर 13.96 लाख रुपीस और पेट्रोल में इसका एक शोरूम प्राइस है 13.45 लाख रुपीस। इस कार के अंदर आपके यहाँ पे दो इंजन ऑप्शन ही ऑफर किए जाते हैं। पहला आपके यहाँ पे मिल जाता है 2.0 लीटर का एम स्टेलियन पेट्रोल इंजन और दूसरा आपके यहाँ पे मिल जाता है 2.2 लीटर का एम हॉक डीजल इंजन। ये डीजल वेरिएंट अभी आप देख रहे हैं बेस वेरिएंट में। अगर इसके इंजन की बात की जाए तो यहाँ पर जो आपको इसके अंदर 2.2 लीटर का एम हॉक डीजल इंजन ऑफर किया जाता है वो प्रोड्यूस करता है 155 पीएस की पावर और 316 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क और इसकी एयर एक लेन माइलेज है 15 किलोमीटर पर लीटर एंड सिर्फ 6 स्पीड मैनुअल के साथ ही आपको ये इंजन इस कार में ऑफर किया जा रहा है। बाकी अब वेरिएंट के अंदर आपको ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन मिल जाता है बट उनके अंदर आपको पावर फिगर्स भी इससे ज्यादा मिल जाती है जो कि है अराउंड 185 पीएस। बाकी पेट्रोल के अंदर ये कार प्रोड्यूस करती है अराउंड 200 पीएस की पावर। बाकी पूरी इंसुलेशन वगैरह आपको यहाँ पर इसमें प्रोवाइड की जा रही है, डीजल इंजन ये चीज आनी भी चाहिए। और अब जल्दी से बंद करते हैं इसके हुड को एंड बात कर लेते हैं इस कार के फ्रंट प्रोफाइल के बारे में। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इसमें नया महिंद्रा का लोगो देखने को मिलता है इसकी फ्रंट ग्रिल के ऊपर। ग्लॉस ब्लैक कलर के अंदर आपके यहाँ पर इसकी पूरी फ्रंट ग्रिल दी जा रही है, सिल्वर इंसर्ट्स के साथ ये पूरी आती है। ओवरऑल फ्रंट प्रोफाइल का लुक आपको यहाँ पे कार का कुछ ऐसा इस पे कंप्लीट देखने को मिलने वाला। बेस वेरिएंट के अंदर आपको यहाँ पे हैलोजन हेडलैम्प्स ही ऑफर किए जाते हैं, कोई भी आपके यहाँ एलईडी का ऑप्शन नहीं मिलेगा। नीचे आपके यहाँ पर इसके साइड टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं। अपर वेरिएंट्स के अंदर आपको एलईडी हेडलैम्प्स और साथ ही एलईडी डीआरएल्स भी मिल जाते हैं। नीचे आपके यहाँ पे फॉग लाइट इसमें नहीं दी जा रही जो कि आप आफ्टर मार्केट इस कार में इंस्टॉल करवा सकते हैं। एंड ओवरऑल लुक आप यहाँ पे ऑलरेडी देख चुके हैं सिल्वर कलर के अंदर। अभी आप XUV 700 का बेस वेरिएंट देख रहे हैं। साइड की अगर इसके बात की जाए तो यहाँ पर आपके इसमें साइड में मिल जाते हैं 17 इंचेस के स्टील व्हील्स जो कि आते हैं 235/65R17 सेक्शन टायर्स के साथ। यहाँ पर आपको ओवर वीएमसीएस के ग्लॉसी ब्लैक कलर के अंदर पूरे मिल जाते हैं। साइड टर्न इंडिकेटर भी आपके यहाँ पर इसी के ऊपर दिया गया है। इनको आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट तो कर सकते हैं बट फोल्ड या अनफोल्ड आपको यहाँ पे मैन्युअली ही से करना पड़ेगा। डोर हैंडल्स आपके यहाँ पे कुछ इस तरह के कंप्लीट मिल जाते हैं, काफी स्मार्ट डोर हैंडल्स इसमें ऑफर किए जाते हैं। ग्लॉसी ब्लैक आपके यहाँ इस पर पूरे पिलर्स ऑफर किए जा रहे हैं। बाकी ओवरऑल साइड प्रोफाइल का लुक आप यहाँ पे इसका कंप्लीट देख सकते हैं। यहाँ पर आपको इसका फ्यूल टैंक मिल जाता है, इसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं DEF का भी अलग से आपके यहाँ ऑप्शन मिल रहा है जो कि इंडिकेट करता है कि ये एक डीजल कार है। बाकी बैक की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको इसमें LED टेल लैंप्स ऑफ की जाती है जो कि काफी ज्यादा ओवरऑल बढ़िया लगती है। रियर वाइपर वॉशर डिफॉगर आपको यहाँ नहीं मिलेगा। ओवरऑल बैक प्रोफाइल का लुक आपको यहाँ पे कार का कुछ ऐसा इसमें मिल जाता है। महिंद्रा का लोगो आप यहाँ पे इस पे देख सकते हैं। XUV 700 की बैजिंग आपको मिलेगी, रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं मिलेगा, दो पार्किंग सेंसर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, रियर रिफ्लेक्टर्स आपको यहाँ पर इसमें दिए गए। बाकी स्केट प्लेट आपको जो है ब्लैक कलर के अंदर ही इसकी कंप्लीट मिलती है। ऊपर आपको यहाँ पे स्पॉइलर मिल जाता है जो कि आता है ब्रेक लाइट के साथ। रूफ पर आपको यहाँ पे एक नॉर्मल टाइप का एंटीना और रूफ रेल्स दी गई है, सनरूफ का ऑप्शन आपको यहाँ इसमें नहीं मिलता है। और ना अब जल्दी से एक बारी चलते हैं कार के अंदर एंड चलकर चेक कर लेते हैं इस कार के इंटीरियर्स को भी। तो ये गाइस इस कार का ड्राइवर साइड डोर जो कि आपको यहाँ पर इसमें मिल जाता है पूरा का पूरा ड्यूल टोन के अंदर। यहाँ पर आपको ब्लैक एंड बेज कलर का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको इसमें दिए गए ऑल फोर पावर विंडो के कंट्रोल, साथ आपको मिल जाते हैं ORVM के कंट्रोल्स। यहाँ पे आपको सिल्वर इंसर्ट्स इसमें दिए गए हैं। नीचे आपको बॉटल होल्डर मिलता है, साथ ही एक स्पीकर भी मिल जाता है। बाकी डोर ओपनिंग की बात की जाए तो ये वाला डोर जो है काफी ज्यादा वाइड ओपन हो जाता है। कार के अंदर एंट्री एग्जिट करने में आपको यहाँ पे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अंदर आती है आपको यहाँ देखने को मिलती है मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ इसकी ड्राइवर साइड सीट जिसकी आप यहाँ पे हाइट को भी एडजस्ट कर सकते हैं। और कुछ ऐसा आपको यहाँ पे इसका फर्स्ट लुक मिल जाता है कम्प्लीट डैशबोर्ड का। और अब कीज की बात करें तो यहाँ पर आपको इसके अंदर कुछ इस तरह की ऑफर की जाती है जो कि आती है लॉक अनलॉक और टेलगेट ओपनिंग के बटन के साथ। फ्लिप की आपको यहाँ पर इस पर दी जा रही है, दोनों आपको यहाँ पर रिमोट कीज मिल जाती हैं। बाकी अब कर लेते हैं जल्दी इस कार का इग्निशन ऑन। आपको यहाँ पर इसमें मिलता है की को इंसर्ट करने के लिए एरिया। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको इस कार के अंदर कुछ इस तरह का इसका कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। सेंटर में आपको यहाँ पे MID स्क्रीन दी गई, राइट में आपको यहाँ पे स्पीडोमीटर मिल जाता है, लेफ्ट में आपको यहाँ पर इसका RPM मीटर दिया गया। बाकी व्हाइट इल्यूमिनेशन के साथ पूरी ये स्क्रीन आती है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अपर वेरिएंट्स के अंदर आपको ना प्रॉपर एक स्क्रीन मिल जाती है 10 इंचेस की जो कि आपने देखी ही होगी। यहाँ पर आपको इसमें 8 इंचेस की स्क्रीन मिलती है इंफोटेनमेंट के लिए। बाकी स्टेयरिंग व्हील की अगर बात करें तो कुछ इस तरह का आपको यहाँ स्टेयरिंग व्हील मिल जाता है। स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आपको यहाँ पर इस पर दिए जा रहे हैं। ग्लॉसी ब्लैक इंसर्ट्स भी आपको यहाँ पर इसमें मिल जाते हैं। सेंटर में आपको मिलता है नए वाला महिंद्रा का लोगो। बाकी एडजस्टमेंट की अगर इसकी बात की जाए तो इसे आप यहाँ पर टिल्ट वे में एडजस्ट कर सकते हैं, टेलीस्कोपिक ऑप्शन आपको यहाँ नहीं मिलेगा।
यहाँ पर आपको इसमें हेडलैम्प के लिए टॉगल मिल जाता है, फॉग लाइट को भी आप यहीं से ऑन ऑफ कर सकते हैं, बट फॉग लाइट आपको यहाँ नहीं मिलती है, जो कि आप बाद में लगवाकर इस कंट्रोल से यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मिलता है फ्रंट वाइपर के लिए टॉगल, रियर वाइपर आपको यहाँ पर इसमें नहीं ऑफर किया गया। यहाँ एक एसी वेंट मिल जाएगा, नीचे आपको यहाँ पे एमआईडी स्क्रीन के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, यहाँ से आप इस पूरी स्क्रीन को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्राइव इन्फॉर्मेशन, फ्यूल इन्फॉर्मेशन, साथ ही आपको यहाँ पे डिजिटल स्पीड का भी ऑप्शन मिल जाता है। जैसे मैं इसे प्रेस करूंगा, यहाँ पे डिजिटल स्पीड आनी शुरू हो जाएगी, जो कि आप यहाँ पे इसकी कंप्लीट देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको इसमें अप डाउन करने का ऑप्शन मिल जाएगा, ऑटो इंजन ऑन ऑफ का स्विच दिया गया, साथ हेड लाइट लेवलर मिल जाता है। और डैशबोर्ड की अगर बात की जाए तो कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे कार का कंप्लीट डैशबोर्ड लुक मिलता है, जो कि काफी ज्यादा ओवरऑल प्रीमियम लगता है। यहाँ पर आपको इसमें 8 इंचेस की स्क्रीन ऑफर की जाती है, जो कि आती है एंड्रॉइड ऑटो के साथ। एप्पल का एप्ले का ऑप्शन आपको यहाँ पर इसमें बेस वेरियंट के अंदर ऑफर नहीं किया गया। बाकी आपको यहाँ AM/FM ब्लूटूथ और USB तो मिलता ही है। बाकी अपर वेरियंट के अंदर आपको पूरी 10 इंचेस की स्क्रीन मिल जाती है, जो काफी ज्यादा प्रीमियम लगती है, बट ये भी बेस वेरियंट के हिसाब से ठीक है। यहाँ पे आपको 2 AC वेंट्स मिल जाएंगे, नीचे आपको यहाँ पर इसमें AC के कंट्रोल्स दिए गए हैं एंड मैनुअल AC कंट्रोल्स ही आपको पर इस कार में ऑफर किए जाते हैं। उसके नीचे ना आपके यहाँ पर इसमें हजार्ड लाइट का स्विच मिल जाएगा, होम बटन मिल जाता है, जो कि यहाँ इसके लिए है। जैसे अभी कोई किसी भी एंगल पे, मतलब जैसे अभी यहाँ पे है, तो जैसे ही होम बटन प्रेस करूंगा तो ये वापस नीचे आ जाएगी, तो इस तरह से वर्क करेगा। यहाँ पे आपको स्क्रीन सेवर का ऑप्शन मिल जाता है, तो जैसे इसे प्रेस करेंगे यहाँ पे स्क्रीन सेवर जो है इसका एनेबल हो जाएगा। बाकी यहाँ पे आपको 6 स्पीड का मैनुअल गियरबॉक्स ऑफर किया जा रहा है इस बेस वेरियंट के अंदर। यहाँ पर आपको इसके अंदर USB का पोर्ट मिल जाता है, स्टोरेज स्पेस आपको यहाँ पर इसमें दी जा रही है, 2 बॉटल होल्डर्स मिलते हैं, कोई भी ग्लॉसी ब्लैक इंसर्ट्स आपको यहाँ नहीं मिलेंगे, जो कि आपको अपर वेरियंट में मिल जाते हैं। हैंड ब्रेक आपको यहाँ पर इसमें दी जा रही है, आर्मरेस्ट आपको यहाँ पे कुछ SS में मिल जाता है, जो कि आता है स्टोरेज स्पेस के साथ। सीट्स की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको इस कार के अंदर कुछ इस तरह की ब्लैक कलर के अंदर फैब्रिक में सीट्स पूरी की पूरी ऑफर की जाती है, जो कि ना ओवरऑल काफी अच्छा कंफर्ट प्रोवाइड कर देती है। बाकी डैशबोर्ड लुक आपको यहाँ पे कार का कुछ ऐसा कंप्लीट मिल जाता है। ड्यूल एयरबैग्स आपको यहाँ पर इसमें एज स्टैंडर्ड ऑफर किए जा रहे हैं। अपर वेरियंट्स के अंदर आपको 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं, जो कि आपको यहाँ पे सीट्स पर साथ ही पिलर्स पर भी दिए जाते हैं। और आपके यहाँ ABS/ADB ट्रैक्शन कंट्रोल, आइसोफिक्स सीट माउंट जैसे फीचर्स भी इस कार में मिल जाते हैं। ग्लव बॉक्स आपको यहाँ पर इसमें कुछ इतनी स्टोरेज स्पेस के साथ ऑफर किया जाता है। 2 कंपार्टमेंट्स आपको यहाँ पर इसमें मिल जाता है, पूरे हार्ड प्लास्टिक से आपको यहाँ बेस वेरियंट के अंदर मिलेंगे। सिल्वर इंसर्ट्स आपको यहाँ मिल जाते हैं। ऊपर आपको यहाँ सनसेट के अंदर वैनिटी मिरर दिया जा रहा है, बेस वेरियंट के अंदर भी सेंटर में आपको मिल जाता है। मैनुअल डे एंड नाइट IRVM यहाँ पे आपको इस पर रूफ लाइट मिल जाती है, जो कि आपको LED में दी जाती है। सनरूफ का ऑप्शन आपको यहाँ बेस वेरियंट के अंदर नहीं मिलेगा। ब्लूटूथ माइक आपको यहाँ मिल जाता है, यहाँ पे भी आपको एक और लाइट इसमें मिल जाती है। बाकी इस साइड आपके यहाँ सनसेट के अंदर 1 टिकट होल्डर दिया जाता है। और अब एक्सटीरियर बॉडी कलर ऑप्शंस की बात करें तो वो अब आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। और अब चलते हैं इस कार की बैक सीट में एंड चलकर चेक कर लेते हैं इसका बैक सीट कंफर्ट भी। तो है गाइस, इस कार का बैक डोर जो कि आपको यहाँ पर इसमें सेम फ्रंट डोर की तरह ही ड्यूल टोन के अंदर पूरा का पूरा ऑफर किया जा रहा है। ब्लैक एंड बेज का कॉम्बिनेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। सिल्वर इंसर्ट्स आपको मिलता है, विंडो का स्विच मिल जाएगा, नीचे आपको बॉटल होल्डर स्पीकर मिलता है, यहाँ पे आपको ब्लैक कलर के अंदर इसका डोर हैंडल मिल जाता है। डोर ओपनिंग की बात करें तो ये वाला डोर भी काफी ज्यादा वाइड ओपन हो जाता है, कार के अंदर बैक सीट में भी एंटी एग्जिट करने में आपको यहाँ पे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अंदर आती है आपको यहाँ देखने को मिलते हैं 2 एडजस्टेबल टाइप के हेडरेस्ट, जो कि काफी अच्छे होते हैं। सेंटर में भी आपको यहाँ पर इसमें हेडरेस्ट ऑफर किया जा रहा है, जो कि फिक्स टाइप का आपको यहाँ पर इसमें मिलता है। आइसोफिक्स सीट माउंट्स आपको मिल जाएंगे, आर्मरेस्ट आपको यहाँ पर इसमें नहीं मिलेगा। बाकी रियर AC वेंट्स यहाँ पर इसमें ऑफर किए जाते हैं। उसके नीचे आपको यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट भी इसमें मिल जाता है। बाकी स्टोरेज स्पेस आपको इसके साथ दी गई एंड डैशबोर्ड लुक आपको यहाँ पे कार का कुछ ऐसा इसमें कंप्लीट मिल जाता है, जो कि ना ओवरऑल काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। एंड अगर बात की जाए ओवरऑल स्पेस के बारे में, तो गाइस ये जो फ्रंट सीट है ये मेरे नॉर्मल सेटिंग पोजीशन के हिसाब से सेट है, और ये वाली जो सीट है ये मैंने पूरी पीछे की हुई है, तो पूरी पीछे के बाद इतनी कुछ जगह मिलेगी। एंड नॉर्मल सेटिंग पोजीशन के बाद अगर बात करें तो बैक सीट में ना काफी अच्छा ओवरऑल नी रूम और लेग रूम मिल जाता है। हेड रूम भी इस कार का काफी ज्यादा बढ़िया। रूफ लाइट आपके यहाँ मिल जाती है LED में एंड ग्रैब हैंडल आपके यहाँ पे इसमें कुछ इस तरह का दिया गया, जो कि आता है कोट हुक के साथ। एंड जैसे कि ये 5 सीटर में ही आती है, तो यहाँ पे आपको इतना बड़ा इसमें कुछ बूट इसका मिल जाता है, जिसकी बात ना अभी हम कार के बाहर चलकर करने वाले हैं। यहाँ पर ना आपको एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेलगेट ओपनर बटन मिल जाएगा महिंद्रा के लोगों के नीचे, इसके टेलगेट को ओपन करने के लिए। बाकी फाइबर में आपको यहाँ पर इसका पूरा टेलगेट ऑफ किया जाता है एंड बूट आपको यहाँ पे इसमें कुछ इतना टोटल मिल जाएगा। काफ़ी अच्छी स्टोरेज स्पेस आपको यहाँ पर इसमें मिलती है, बॉटल होल्डर्स वगैरह आपको इसमें मिल जाते हैं। AC वेंट्स आपको यहाँ नहीं मिलते हैं, क्योंकि 5 सीटर वेरियंट है। 7 सीटर के अंदर ना आपको यहाँ पे AC वेंट्स भी साइड पे मिल जाते हैं। बाकी ओवरऑल डैशबोर्ड आप यहाँ पे देख सकते हैं, कार का काफ़ी अच्छा लग रहा है बेस वेरियंट के हिसाब से। यहाँ पर आपको इसके नीचे
टूल किट मिलती है। बाकी अगर बात करें इसके स्पेयर व्हील की, तो स्पेयर व्हील आपको यहाँ पे कार का इसके नीचे की तरफ पूरा ऑफर किया जाता है। और अब बंद करते हैं इसके टेल गेट को एंड बात कर लेते हैं इस कार के ऑन रोड प्राइस के बारे में। तो गाइस इस पर्टिकुलर कार महिंद्रा XUV 700 MX सीरीज डीजल का एक्सशोरूम प्राइस है 13.96 लाख रुपीस एंड ये ऑन रोड आपको चंडीगढ़ में पड़ेगी 16.10 लाख रुपीस की। तो गाइस आपको ये कार कैसी लगी मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी इस कार के सभी वेरिएंट्स का डिटेल वॉक अराउंड वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो उन्हें जरूर से चेकआउट कर लें। एंड ऐसी और अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।